थैंक गॉड मैं घर आ गया। पापा, सॉरी। नॉट कूल। तुम मुझे पापा क्यों बुलाते हो? मैं तुम्हें बोला ना मैं तुम्हारा बड़ी हूँ। शिव। ओके, आप ठीक हो ना? आप कहाँ गए थे? मैंने आपको कितना मिस किया। तुमने मुझे मिस किया सच्ची? मुच्ची। मैंने एक बहुत बैड हॉस्पिटल में गया था। वहाँ है ना सब मुझे हर्ट कर रहे थे। यहाँ यहाँ सब बैड अंकल थे वहाँ। तुम कभी मत जाना वहाँ। मैं भी नहीं जाऊँगा। ओके। शिव बेटा। बेटा वो हॉस्पिटल नहीं, पर अभी तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। कहाँ? ले जाइए इसे। अरे अरे छोड़ो मुझे। एक सेकेंड। छोड़ो मुझे। हमने कहा छोड़िए। छोड़ो मैं कौन है आप? मैं प्लीज छोड़ो मुझे। मैं गुड बॉय हूँ। मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। प्लीज छोड़ो मुझे। कौन है आप लोग और इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे छोड़ो इन्हें। मैं भी कुछ शरारत नहीं करूंगा। नो 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 छोड़ो इन्हें। रुक जाओ। क्या हो रहा है ये? कहाँ ले जा रहे हो उसे? कौन हो तुम लोग? भाई साहब, इनको मैंने बुलाया है। ये पागलखाने से आए हैं। मुझे लगता था कि शिव पागल होने का नाटक कर रहा है, पर शक्ति ने मुझे गलत साबित कर दिया। अब जब शिव सच में पागल है तो वो तो इस घर में नहीं रह सकता। तो इसीलिए ये लोग उसे पागलखाने लेकर जाने आए हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा पापा। इन्हें हाथ लगाने की कोशिश मत करना। छोड़ो। आप होती कौन है डॉक्टर शिव को पागलखाने भेजने वाली? शक्ति बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? घर में छोटा बच्चा है, एक बूढ़ी माँ है। ऐसे में घर में एक पागल के साथ रहना। बार बार डॉक्टर शिव को पागल कहना बंद कीजिए। तो फिर आप क्या कहूँ? एक इंसान जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, जिसे अपनी खुद की कोई परवाह ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, खुद के एक्शंस पे वो काबू नहीं कर सकता, तो उसे पागल नहीं कहूं तो क्या कहूं? क्या ये पूरे परिवार के लिए रिस्की नहीं है? शांति बेटा, तुम थोड़ा शांति से इत्मीनान से सोचो कि जो मैं कह रही हूं वो सही है कि नहीं। इस वक्त शिव का पागल खाने जाना बहुत जरूरी है। पता है ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, शिव के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वहां उसका इलाज होगा, डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, और क्या पता बहुत जल्द शिव घर वापस आ जाएगा, ठीक होगा। ये डॉक्टर शिव के लिए अच्छा है या आपके लिए? डॉक्टर शिव मेंटल हॉस्पिटल चले गए तो आपका रास्ता तो क्लियर हो जाएगा। फिर आप जो करना चाहती है वो अच्छे से कर लेगी। और अगर रही बात डॉक्टर की, वो तो हमारे घर में भी है ना, ये आपका बेटा कीर्तन। शक्ति, ये पागलों का डॉक्टर नहीं है। ये किसी भी तरह का डॉक्टर नहीं है। और अगर रही बात इलाज की ना, तो वो यहाँ इस घर में भी हो सकता है। जिस इंसान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है ना,
उसे सेफ जगह पर रहना चाहिए। और घर से ज्यादा सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती अपने परिवार के बीच। जितने चांसेस उनके यहाँ इस घर में रहकर ठीक होने के हैं ना, वो कहीं और पे नहीं है। शक्ति मेरी आप चाहे जितने तुक लगाना चाहती हैं लगा लीजिए, जितनी चालें खेलनी है ना खेल लीजिए, लेकिन डॉक्टर शिव इस घर से कहीं पे भी नहीं जाएंगे। फिर चाहे उसके लिए हमें कोई भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। शक्ति बिल्कुल ठीक कह रही है, हम बड़े से बड़ा डॉक्टर यहां घर में ला सकते हैं, शिव का इलाज उसी की देखरेख में हो सकता है। इस समय शिव को परिवार की जरूरत है, हम सबकी जरूरत है, उसे हमारे प्यार की जरूरत है, किसी पागल खाने की नहीं। इसीलिए वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहां अपने घर में रहेगा। लेकिन भाई साहब, शिव का इस घर में रहना पूरे परिवार के लिए खतरा हो सकता है। कोई खतरा नहीं मंदिरा, खतरा सिर्फ तुम्हारे दिमाग में। शिव कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। अच्छा ताऊ जी, आप कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं। अरे इस पागल शिव ने अपनी माँ को मार दिया, मेरी मॉम पर अटैक किया, और आप कह रहे हैं कोई खतरा ही नहीं है। देखिए, शिव पागल खाने जाएगा और ये फाइनल है। और आपकी भलाई इसी में होगी कि आप बीच में ना बोले। लेके जाओ इसे। तेरी इतनी हिम्मत, हमसे जुबान में बात करेगा तू? चुप हो जा वरना हम तुझे। वरना क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शक्ति! बिल्कुल चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा जी पर हाथ उठाने की, उनके सामने आवाज ऊंची करने की? लोगों को डॉक्टर शिव से खतरा नहीं है, लोगों को तुम जैसे लोगों से खतरा है। जो अपने बड़ों के सामने जुबान लंबी करते हैं, अपने पापा से उम्र में ज्यादा बड़े ताऊजी के सामने जो उन पर हाथ उठाते हैं, उनके सामने अपनी जुबान लंबी करते हैं। ये भूलने की गलती मत करना कि पापा जी इस घर के मुखिया हैं, और ये बात तो बिल्कुल भी मत सोचना कि वो अकेले हैं। शायद इस वक्त उनके बेटे वो कमजोर हैं, लेकिन उनके साथ उनकी बहू खड़ी है। उनकी ढाल बनकर, और उसे तो कमजोर समझने की बिल्कुल गलती करना ही मत, क्योंकि उसका नाम ही शक्ति है। अगली बार अगर पापा जी पे हाथ उठाया ना, तो तुम्हारा हाथ कोना तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में दे देंगे, जिसमें तुम अपनी फर्जी डिग्री पकड़ते हो। कीर्तन, क्या कर रहे थे तुम? हाँ शिव हो तुम? शिव हो? शिव
शिव है जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, उन पर हाथ उठाता है, बदतमीजी करता है, उसने अपनी माँ को मारा है क्योंकि वो पागल है। तुम तो पागल नहीं हो ना, तो क्यों किया तुमने ये सब? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया, ये संस्कार दिए हैं? भाई साहब, प्लीज मैं कीर्तन की तरफ से माफी मांगती हूँ। जब से शिव ने मुझ पर हमला किया है ना, कीर्तन मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है, उसका दिमाग हिल गया है। और जरा सोचिए, जिस तरह से शिव ने मुझ पर अटैक किया, क्या पता कल वो आप पर अटैक करे, कार्तिक पर अटैक करे, या घर के किसी भी सदस्य पर अटैक कर सकता है। इसीलिए ना हम सबने ये डिसाइड किया है, कमल का, पद्मा दीदी का, रिमझिम का, हम सबने मिलके ये तय किया है कि शिव को पागल खाने जाना चाहिए। नंदू ने भी कहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। और आप तो जानते हैं ना, नंदू से ज्यादा शिव को कोई प्यार नहीं करता। प्लीज भाई साहब, अब आप मत रोकिए, जाने दीजिए शिव को। हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, छोड़ो। अब चाहे बीच में बीवी आए या उसका बाप, तुम लोग रुकना मत। शिव को घर से लेकर ही जाना। रुक जाओ, शिव कहीं नहीं जाएगा। भर्गु मां, ना शिव कहीं जाएगा, ना ही शक्ति कहीं जाएगी। ये देखो, ये शिव के दादाजी की वसीयत है। इसमें शिव के दादाजी ने, यानी हमारे पति ने, ये घर शिव के नाम किया था। तो ये घर शिव का है। शिव चाहे तो सबको घर से बाहर निकाल सकता है, लेकिन हमारे शिव को कोई इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। डॉक्टर शिव का है और किसी को कोई हक नहीं है डॉक्टर शिव को अपने घर से बाहर निकालने का। छोड़ो इन्हें, हमने कहा इन्हें छोड़ो, छोड़ो। डॉक्टर शिव, पापा, मां, मैंने कब कहा कि ये घर शिव का नहीं है? पर इस वक्त उसे इस घर की नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है। हम थोड़ी उसे बाहर निकाल रहे हैं हमेशा के लिए, पर कानूनन भी यही सही है। मतलब मैं समझाता हूं।
मेहता साहब आप यहाँ? भाई साहब मैंने ही इन्हें बुलाया है। मैं नहीं चाहती कि शिव के साथ कुछ भी गलत हो। मंदिरा जी ने डॉक्टर शिव का हमेशा अच्छा ही सोचा है। रघुनाथ जी दरअसल डॉक्टर शिव मेंटली अनस्टेबल जरूर डिक्लेयर हुए, बेकसूर नहीं, इसलिए उनके सारे लीगल राइट्स फॉरफीट करने होंगे। उनके लीगल राइट्स किसी और को जरूर मिलेंगे, पर फिलहाल आप सबकी भलाई इसी में है कि डॉक्टर शिव को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए ताकि आप सब यहाँ सेफ रहें और डॉक्टर शिव को भी अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिले। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर मेहता। अगर किसी की दिमागी हालत खराब हो जाती है और वो लीगल राइट्स किसी और को मिल जाते हैं तो आपको पता होगा ना कि वो किसी और कौन है, कि ये सारे लीगल राइट्स किसके पास चले जाते हैं, बताइए मिस्टर मेहता। हम बताते हैं, यानी कि डॉक्टर शिव की पत्नी के पास। और ये रहा हमारा एफिडेविट। ये ना हमने मंदिरा आंटी से ही सीखा है कि अगर दुश्मन कोई प्रॉब्लम सामने लाए ना तो उसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक प्लान नहीं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एक्सेट्रा 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 सब तैयार रखना चाहिए। और शायद ये बात किसी को बहुत अच्छे से पता थी। और इतना लॉ तो सबको पता ही होगा ना कि अगर कोई किसी की जिम्मेदारी लेता है तो उसे क्या कहते हैं, कस्टोडियन। तो अगर डॉक्टर शिव अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे तो उन्हें फुलफिल करने की जिम्मेदारी होती है उनकी पत्नी की और सारी पावर्स भी, यानी कि हम। शक्ति शिव कश्यप। और शायद ये बात किसी को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए डॉक्टर शिव की पहली पत्नी की हत्या भी हो गई। हमारी गौरी दीदी की। लेकिन ये काम जिसने किया है ना उसका नाम हम अच्छे से जानते हैं और उसका गुनाह हम सबके सामने साबित कर कर रहेंगे और उस इंसान को जेल भी भिजवाएंगे। बात में ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि पाप का घड़ा बहुत जल्द फूटने वाला है। तो डॉक्टर शिव की पूरी जिम्मेदारी हमने ली उनकी पत्नी होने के हक से, उनके कस्टोडियन होने के हक से, उनके पावर्स की हकदार होने के हक से। हम कहते हैं कि डॉक्टर शिव कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे अपने घर में। इनफैक्ट मुझे तो इस बात की खुशी होगी कि हमारा शिव घर पे ही रहे और उसका यही पे ट्रीटमेंट हो। बस एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, मुझे बताओ तुम उस पर 24/7 अपनी नजर कैसे रखोगी? मतलब अगर उसने फिर से किसी पर अटैक करने की कोशिश की तो क्या तुम उस पर 24 घंटे नजर रख पाओगी? उसे संजीव से बांध कर तो नहीं रख पाओगी ना? सही कह रही हैं आप। अब हम 24 घंटे नजर तो नहीं रख सकते कि डॉक्टर शिव क्या कर रहे हैं, कि अगर उन्होंने किसी को चोट पहुंचा दी उन्हें जंजीरों में भी तो बांध के नहीं रख सकते। वही तो क्या
किया जाए। ठीक है, तो जिस जिसको लगता है कि उन्हें डॉक्टर शिव से खतरा है वो घर छोड़ के जा सकता है। देखिए दरवाजा भी खुला, तो जिसे जाना है वो चले जाए। कैसा लगा आइडिया मंदिरा? आंटी जिसे जहां जाना है वो चले जाए।